तो 5,500 रुपये का एक मोबाइल था मेरे पास, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। माइक क्या, ईयरफोन भी नहीं था मेरे पास। तो एक तो अभी आपके पास क्या क्या है? कैमरा भी है, माइक भी है, कार भी है, बाइक भी है, सब। और जो ऑनलाइन अर्निंग चैनल बनाते हैं उनको स्टार्टिंग में ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे दोस्त, किसी ने सच ही कहा है, आप पैसा जिंदगी में तभी कमा पाओगे जब आपके पास या तो बाप का पैसा हो, आप बिजनेस कर सको, या फिर आपके पास हुनर हो, आप सिंगर बन जाओ, एक्टर बन जाओ। ठीक इसी प्रकार आज के डिजिटली जमाने में अगर आपके पास मोबाइल है, जी हाँ, जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हो उस मोबाइल से आप लाखों रुपए कमा सकते हो। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ जो कि मोबाइल से ही वो पैसे कमा रहे हैं, और आज इतना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं कि आज इनके आगे एक सरकारी नौकरी भी फेल है। जी हाँ मेरे दोस्त, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इनसे आप बहुत कुछ सीख पाओगे, लेकिन आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपका एज कितनी है। तो यार, नाम बताने से पहले सबसे पहले तो मैं रोहित भाई को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी मैंने सोचा नहीं था कि भाई आपके चैनल पर आऊँगा। मैंने वीडियोस आपकी बहुत देखी हैं, आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है मुझको, एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पर आने का मुझको मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी अपना कीमती समय हमें, हमारी ऑडियंस को दे रहे हो। हाँ, और तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, आपके चैनल का क्या नाम है। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो फिलहाल मेरा नाम शरद शुक्ला है, एंड मैं शरद लूट नाम का एक यूट्यूब चैनल हैंडल करता हूँ, एंड साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ, 12th में भी स्टडी करता हूँ मैं, और बस अभी यूट्यूब के साथ साथ अलग ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में थोड़ा बहुत कदम रखा है, इधर उधर काम कर रहे हैं, बस यही अपनी लाइफ में है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अलावा। ये यूट्यूब और वेबसाइट से छोटा सा काम करके थोड़ी समय में ये YouTube से लाखों रुपए कमा रहे हैं। जी हाँ, 2 से 3 लाख रुपए प्लस कमा लेते हैं, उससे भी ज़्यादा, भी कितना ज़्यादा कमाते हैं ये बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इनके बारे में जानना चाहूँगा। ये चाहिए बताइए, जब आप YouTube पे आए थे तो आपके पास क्या था, कौन सा मोबाइल था और कौन सा माइक था? अब जब भाई YouTube में सबसे पहले स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो कुछ भी नहीं था, मतलब मोबाइल भी बड़े जुगाड़ से मैंने परचेज किया था। तो 5,500 रुपये का एक मोबाइल था मेरे पास, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। माइक क्या, ईयरफोन भी नहीं था मेरे पास। तो एक और वीडियो कैसे शूट करते थे आप? भाई वीडियो शूट करने के लिए सामने एक कूलर रखा रहता था। अब जैसे क्या सीन था कि कूलर रखा था, उसके आगे मैंने टूथब्रश लगा देता था, उसमें बीच में जो होल्स होते हैं उसमें टूथब्रश लगा के ट्राईपॉड जैसे उसको यूज़ करता था मैं। मतलब ट्राईपॉड नहीं था, ट्राईपॉड खरीदने के पैसे नहीं थे, तो सामने कूलर रखा रहता था, कूलर के ऊपर मतलब आगे साइड पीछे साइड दो होल थे, उसके अंदर मैं टूथब्रश लगा के मोबाइल रखकर उस पर से वीडियो शूट करता था। एंड तो अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो बैकग्राउंड भी कुछ खास इतना अच्छा नहीं था, एक हमारे साइड तिरपाल होते हैं तो उस तिरपाल का यूज़ करता था मैं, तो एक खराब तिरपाल था जिसके ऊपर बैनर होते हैं ना, जिसके ऊपर ऐड होते हैं, सेम उसका बैक साइड वाला पोर्शन मैं पीछे वॉल के पीछे लगाता था, क्योंकि वॉल प्लास्टर नहीं थी, और उसको बैकग्राउंड बना के सामने ट्राईपॉड टूथब्रश को बना के वीडियो बनाता था। अच्छा, ये बातें कितने साल पुरानी हैं? भाई करीबन 2019 की। हाँ भाई, तो अभी आपके पास क्या क्या है, आपने कुछ अचीव किया, क्या क्या अचीव किया है, अभी आप वीडियो कैसे शूट कर रहे हो? अभी तो यार बहुत कुछ है, पहले स्टार्टिंग तो 5,500 रुपये के फ़ोन से करी थी, लेकिन आज के टाइम पर भाई 6-7-8 फ़ोन है अपने पास, लैपटॉप पीसी सब कुछ है, मतलब बहुत कुछ, यूट्यूब से तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है, जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे ज़्यादा भी मिल चुका है, अभी कार है, बाइक है अपने पास, सब कुछ है भाई, इतने टाइम जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के पास होना चाहिए वो सब कुछ है अपने पास। अब आज कार भी है आपके पास, बाइक भी है, और शायद ये कैमरे से आप वीडियो भी शूट कर रहे हैं। हाँ भाई, कैमरा भी है, माइक भी है, कार भी है, बाइक भी है, सब कुछ है भाई। मेरे दोस्त, आप लोग देख पा रहे होंगे जो टूथपेस्ट पे मोबाइल रखकर वीडियो शूट करते थे, आज 3 से 4 साल के अंदर क्या जिंदगी हो गई। आप भी थोड़ा सा सीखिए इनसे, और ये मोटिवेशन लीजिए, ये नॉलेज लीजिए, नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आपकी लर्निंग उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग, आप जिंदगी में तभी पैसे कमा पाओगे जितना ज़्यादा आप सीख पाओगे। तो भाई थोड़ा सा आप अपने फैमिली कंडीशन के बारे में बताएंगे। तो यार मैं ये करीबन 2018 के आसपास आया था, तो अपना क्या सीन था, वही नॉर्मल मैं भी था, आप लोग की तरह मैं भी था, जैसे क्या था मेरा सीन, अपना सुबह उठा स्कूल गए, और स्कूल में था तब मैं 8th-9th में था कुछ, तो मैं सुबह उठा स्कूल गया, स्कूल से घर आया, अपना पढ़ाई वढ़ाई करी, कोचिंग गए, फिर खाना खा के सो गए। लेकिन उस टाइम पर कुछ ये था कि यार अपने पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब क्या था कि उस टाइम पर अगर मैं साइकिल परचेज करना चाहूँ ना तो उसके लिए भी मेरे पास रुपए नहीं होते थे, तो कुछ अलग करना था अपने को, कुछ पैसे भी कमाने थे, नाम भी बनाना था, तो फिर उसके बीच में ही YouTube के बारे में मुझको पता चला। तो क्या था उस टाइम पर, बीच में एक डेटा विंड टैब था,
जो मेरे फादर ने ला के मुझको दिया था। मैंने बहुत ज़्यादा जब उनसे कहा कि मुझको एक मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए, तो उस टाइम पर जियो आया हुआ था, जियो का अनलिमिटेड नेट आया हुआ था 4G वाला। तो उस टाइम पर मैंने टैबलेट मंगाया, फिलहाल वो 3G था, मतलब उसके अंदर इंटरनेट नहीं चलता था, लेकिन उससे मैंने सीखा एक तो वो बीच में ख़राब हो गया। एंड ख़राब होने के बाद बीच में उसके बाद एक दो महीने तीन चार महीने कुछ नहीं था मेरे पास, फिर मैंने बड़े जुगाड़ से फ़ोन लिया, जियो फ़ोन लिया, उससे थोड़ा बहुत सीखा। सीखने के बाद मैंने एक रियलमी C2 लिया था 232, एंड उस 232 से मैंने स्टार्टिंग करी थी अपनी, एंड उसी से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और उसी से अभी मेरे पास सब कुछ है, मतलब उसी फ़ोन से स्टार्टिंग करी, उसी से मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई थी। अच्छा, ये जब आप इतनी टाइम आए हो तो आप यूट्यूब से ही पैसा कमाते हो या फिर वेबसाइट से भी पैसा कमाते? नहीं भाई, देखो अभी बात करें तो यूट्यूब से तो इनकम होती ही होती है, वेबसाइट से भी हो रही है, इसके अलावा और भी अदर सोर्सेज हैं जहाँ से फिलहाल इनकम हो रही है। अभी ये महीने का कितना कमाते हैं, अभी ये बताएंगे आपको कि ये महीने का एग्जैक्ट कितना कमा रहे हैं। जिसे देखकर यार आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि जब ये गरीब घर का लड़का जिसके पास मोबाइल तक के पैसे नहीं थे, साइकिल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, वो बंदा अपने दम पर कार बाइक लैपटॉप मोबाइल सब कुछ खरीदा है। मेरे दोस्त, एक बात याद रख लो कि ज़िंदगी जीने में मज़ा तब नहीं है जब पैसा बाप का हो ऐस आप करो, ज़िंदगी जीने में मज़ा तब है जब पैसा आपका हो और ऐस बाप करे। मेरे दोस्त, आप सीख पा रहे होंगे कि अगर एक मिडिल क्लास कुछ भी चाहे तो कर सकता है, बस उससे चाहत है तो दृढ़ संकल्प की, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग के। अच्छा, आप ये बताइए, अभी आप YouTube पे कंटेंट किस टाइप का अपलोड करते हो, थोड़ा सा ये बताइए। स्टार्टिंग में तो जैसे क्या था मेरा सीन, मैं पैसे नहीं कमा पाता था, तो फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर ऑनलाइन अर्निंग से रिगार्डिंग लोगों को मैं अवेयर करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि आप किस तरह से ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, क्या क्या वेज हैं पैसे कमाने के, एंड जिनसे मैं पैसे कमा रहा हूँ वो खुद लोगों के सामने लेकर आता हूँ। और आपके फील्ड में RPM बहुत हाई होता है, जहाँ तक अगर 1000 व्यूज पे हम लोगों को मिलेगा, अगर 50 रुपये तो इनको मिलेगा भैया, इनसे 2-3 गुना मिल सकता है। ऑनलाइन अर्निंग वालों का RPM बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, आपके चैनल का RPM आप अगर नियर अबाउट बनाना बताना चाहे तो बता सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट ना बताना चाहे तो नियर अबाउट बता सकते हैं। अब अगर देखिए मेरे चैनल पर कुछ जॉब की वीडियोस रहती हैं, मैं जॉब के बारे में बताता हूं, तो जॉब में क्या होता है RPM थोड़ा कम रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर चैनल का मिला है तो 4 के आसपास का RPM रहता है चैनल पर। 4 के मतलब क्या? $4,000 का, मतलब 1000 व्यूज पे आपको $4 मिल जाता है। मतलब यार, मतलब बहुत गुना है हम लोगों का यहाँ पर, अगर डॉलर में देखें तो शायद बहुत कम ही होता है, और आप लोगों का तो इतना ज़्यादा होता है। मेरे दोस्त, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कंटेंट, कहते हैं कंटेंट लोग उसमें भागते हैं जिसमें ज़्यादा दिखता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे ना तो उस कॉन्टेंट में जाओ जिस कॉन्टेंट में अभी कंपटीशन कम है और अर्निंग ज़्यादा है, जो कि इन्होंने दिमाग लगाया और आज अपने चैनल पे 2,00,000 सब्सक्राइबर बनाए बहुत छोटी उम्र में। अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ ये अर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग के साथ अर्निंग कर रहे हैं, अब क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे? अब भाई बस, अब यही मैं भी सबसे यही कहूँगा यार, देखो कोई एज नहीं होती है, कोई काम करने की कोई एज नहीं होती है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो अभी से लग जाओ, कुछ भी पकड़ लो, जो आपको पसंद है, जो आपको आता है, उसमें लग जाओ, अभी से लग जाओगे, जितना टाइम समय बर्बाद करोगे, देखो समय की वैल्यू बहुत होती है। अब मैं अभी प्रेजेंट टाइम पर भी यहाँ बैठा हूँ, मैं पैसे को इतना वैल्यू नहीं दूंगा इतना समय को दूंगा, क्योंकि अगर मुझसे कोई बोले कि मैं तुमको 10,00,000 रुपए देता हूँ, तुम 10,00,000 रुपए लोगे या 1 साल पीछे जाओगे, तो मैं ये बोलूँगा कि मुझको 1 साल पीछे का समय मिल जाए, क्योंकि मुझको पता है कि 1 साल पीछे मुझको क्या करना था एंड मैं क्या चीज़ें कर मतलब नहीं किया हूँ मैं अभी तक। अगर मैं उस टाइम पर करा होता तो आज के टाइम पर बस क्या क्या होता वो मुझको भी नहीं पता है। तो समय पर यार फोकस करो, मतलब सही बात है। क्या द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, जितना आप सीखोगे उतना ही आप कमाओगे, और सीखोगे कैसे, जब आप समय दोगे किसी चीज में। तो अभी आपको अर्निंग का कुछ टिप्स हमारे ऑडियंस को भी बताना पड़ेगा कि कैसे वो अर्निंग कर सकते हैं, अगर वो अर्निंग करना चाहते हैं अपने मोबाइल से तो आप थोड़ा बताइएगा उन्हें। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम एक सवाल पूछते हैं कि आपको ये यूट्यूब पे आने का आइडिया कैसे पड़ गया, और जब आप यूट्यूब पे आए थे स्टार्टिंग के दिन में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, मतलब घर वालों की भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी? स्टार्टिंग में तो फिलहाल प्रॉब्लम सबको होती है, तो प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में, मना किया घर में कि ये सब मत करो, पढ़ाई करो और आगे चल के जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब के बारे में घर में सब लोग बोलते थे गवर्नमेंट जॉब लेना, अच्छी जॉब करना है, और फिलहाल बस यही, मतलब फादर का एक स्मॉल सा बिजनेस है, तो क्या होता था कि पापा पीछे लगे रहते थे, मम्मी पीछे लगे रहते थे कि पढ़ाई कर लो, इनका बेटा ये बन गया, इनका बेटा ये बन गया, एंड तुमको भी कुछ करना है। तो फिर मैं भी उसी में था कि हाँ पढ़ाई करता था, एंड बस यही एक एम था, घर वालों को कहना था कि पढ़ाई करो, ये सब चीज़ें भी छोड़ दो, ये सब चीज़ें कुछ मत करो, सब बेकार है। सही बात है। अच्छा, कोई नया यूट्यूबर है जैसे मान लीजिए आपकी तरह वो वीडियो बनाना चाहता है, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वो वीडियो बनाना चाहता है, नया चैनल ओपन करता है, तो उसे स्टार्टिंग के दिन में
कहाँ पर कंटेंट देखो मिलेगा? अभी तो फिलहाल एक यूट्यूब ने फीचर आपको प्रोवाइड कर दिया है कंटेंट ढूंढने का, वो है यूट्यूब के एनालिटिक्स में जाते हैं तो वहाँ पर कीवर्ड सर्च का एक ऑप्शन मिल जाता है, कीवर्ड प्लानर का, सर्चर का, तो वहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हैं जैसे कि आपको डालनी है ऑनलाइन अर्निंग से रिगार्डिंग, तो अगर आप अर्न लिखेंगे तो करीबन वहाँ पर 15 से 20 आ जाएंगे टाइटल जो सबसे ज़्यादा सर्च करे जाते हैं, तो वहाँ से आप लाइन से सभी टाइटल्स को उठा सकते हैं, आपके वो कंटेंट वहाँ पर हो गए। उसके बाद आपकी कैटेगरी में जितने भी क्रिएटर हैं उन सभी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वो वीडियोस अगर अपलोड करते हैं ना उनकी वीडियोस को देखो, और आपके जो कमेंट आते हैं उन कमेंट को पढ़ो, मतलब वो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए, कहीं पैसा नहीं देना है, आप खुद के ही काम से, मतलब खुद अगर आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब, अपनी कैटेगरी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, नोटिफिकेशन है कि वीडियो को देखोगे पता चल जाएगा कि प्रेजेंट टाइम पर मार्केट में क्या चल रहा है, तो वहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा। यूट्यूब खुद फीचर प्रोवाइड कर रहा है कंटेंट ढूंढने का, तो वहाँ से कंटेंट सर्च कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए कोई अगर ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताता है तो आप लोगों को एप्लीकेशन कहाँ मिलता है? वो भी वहीं से मिलता है। आप लोग बहुत एप्लीकेशन के बारे में बता देते हो तो वो सब यूट्यूब से ही मिलता है भाई। देखो कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो हम सर्च करने के बाद गूगल प्ले स्टोर से सर्च करेंगे, वहाँ से रिसर्च करेंगे, गूगल से करेंगे, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो मैक्सिमम जो एप्लीकेशन होती हैं वो हमको यूट्यूब से ही मिलती हैं। हम यूट्यूब पर जैसे अपनी कैटेगरी के जितने भी चैनल्स हैं उनको देखते हैं, कुछ हमारे पास ब्रांड प्रमोशन आते हैं वहाँ से हम लोग एप्लीकेशंस को उठाते हैं। और जो ऑनलाइन अर्निंग चैनल बनाते हैं उनको स्टार्टिंग में ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि एक आध किसी वीडियो व्यूज आएगा नहीं तो उन्हें स्टार्टिंग के दिन में कुछ तो नया अपलोड करना पड़ेगा, तो आपके हिसाब से कुछ आइडिया है? ऑनलाइन अर्निंग करने का मतलब क्या है, लोगों को पैसे कमाना सिखाओ, और जब उनको जेन्युइन तरीका बताओगे तो वो आपकी वीडियो को देखेंगे, और अगर वो आपके साथ कनेक्टेड है तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल ग्रो करोगे, तो आपको क्या करना है जेन्युइन तरीके बताने हैं। देखो मेरा क्या सीन था, मैं अगर बताऊं आपको तो मैं बहुत कम, मतलब करता ही नहीं हूं, मैं स्पॉन्सर तो करता ही नहीं हूं, क्योंकि सामने वाली ऑडियंस को मैं जो पहुंचाना चाहता हूं वो रियल चीज़ देना चाहता हूं, बीच में कोई मैं इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ नहीं लाता हूं जहां पर इन्वेस्ट करना पड़े। तो सेम आपको भी ये करना है, आपको एक चीज़ पकड़ लेनी है कि भाई आपको सामने वाले को सिखाना है, ठीक है, सामने वाले को पैसा कैसे कमाना है वो सिखाना है, आपको ये फोकस नहीं करना है कि आपको अर्निंग कैसे करनी है। अगर आप सामने वाले को उस फील्ड में, जैसे ऑनलाइन अर्निंग के फील्ड में वीडियो डाल रहे हो, तो सामने वाले को अगर आप अर्निंग करा पा रहे हो तो आप ये समझ जाओ कि आपकी वीडियो चलेगी चलेगी, एंड आपको स्टार्टिंग में बस कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन करनी है। सही बात है कि ऑडियंस से ज़्यादा आपको अपने से ज़्यादा ऑडियंस के बारे में सोचना है। अगर ऑडियंस के बारे में सोच लिया तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको ग्रो करने से। अच्छा रही बात, आखिरी सवाल ये है कि भाई आप यूट्यूब से ज़्यादा पैसा कमाते हो या फिर वेबसाइट से ज़्यादा पैसा कमाते हो? अगर देखें तो मैं वेबसाइट से भी कमा सकता हूँ, मुझको पता है कि मैं वेबसाइट से यूट्यूब से ज़्यादा कमा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं वेबसाइट पर उतना फोकस नहीं कर रहा जितना मैं यूट्यूब पर कर रहा हूँ। तो अगर सही से देखें भी एक में आंसर दें तो अभी मैं फिलहाल यूट्यूब से ही ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ। और आप यूट्यूब और वेबसाइट को मिलाकर महीने में आप कितना मंथली अर्न कर सकते हो, करते हो? मैं एवरेज डेली का अगर बताऊँ तो डेली $100 प्लस तो ईजिली आ जाता है। अब इसके ऊपर जितना चला जाए, 200 चला जाए, 300 चला जाए, वो हमको भी नहीं पता, लेकिन $100 प्लस डेली की इनकम ईजिली हो जाती है। $100 मतलब ये होगा शायद 8,200 के आसपास। मेरे दोस्त देख पा रहे हो एक दिन में 8,000 रुपये की अर्निंग किससे कर रहे हैं? बस मोबाइल से। क्या इन्होंने घर पे कोई फैक्ट्री लगाई? क्या नहीं लगाई। कोई इन्वेस्टमेंट किया क्या? नहीं इन्वेस्टमेंट किया। इन्होंने क्या लगाया? अपनी नॉलेज, अपनी बुद्धि, और जो इनके पास था उसी से शुरू कर दिया। बहुत से लोगों को लगता है अरे बढ़िया कैमरा हो जाए, बढ़िया रूम हो जाए, तब भी हम इनकी तरह वीडियो शूट करेंगे। इनकी तरह वीडियो शूट करने के लिए इनकी तरह आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज इनके पास सब कुछ है, आपके पास भी होगा, लेकिन आज आपके पास जो है पहले आप उससे तो उठो। आप चप्पल पहन के घर से बाहर निकलो, आपके पैर में जूते होंगे, खाली जेब लेकर, आप जेब लेकर घर से बाहर निकलोगे तो आपके जेब में पैसे आएंगे। अब ये सोचो कि हम घर पे बैठे रहें, सब कुछ मिल जाएगा, हम बस लेटे रहें, वीडियो देखते रहें, बस ये हो जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देख पा रहे हो कहाँ थे और कहाँ थे और अभी अर्निंग कर रहे, कितना ज़्यादा, 8,000 रुपये किसी मिडिल क्लास के घर में एक महीने की होती है। कोई बंदा एक महीने मेहनत करता है तो उसे 5,000 से 6,000, 7,000, 8,000 रुपये मिलता है। यहाँ पर ये एक दिन में कमा रहे हैं, तो समझ सकते हो कि ये महीने का कितना कमा रहे हैं। अब एक दिन का 8,000 रुपये है तो महीने का कितना लाख रुपया हुआ, आप कमेंट में बता सकते हो कि कितना लाख रुपये महीने कमा रहे हैं। हाँ भाई, अब देखो देखो, अब जैसे अभी रोहित भाई ने एक बहुत ही बात बोली कि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, एंड यही मैं अपनी ऑडियंस से कहता हूँ, एंड अभी मैं आप लोगों से भी यही चीज़ कर रहा हूँ कि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। देखो रोहित भाई आपको सिखा रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिखाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। अब क्या सीन है कि अगर कोई IAS ऑफिसर है ना, तो उसके घर में उसका बेटा IAS ऑफिसर ऐसा नहीं कि होगा ही होगा।
मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम बता रहे हैं हमारी वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो के बाद आपको कदम भी उठाने पड़ेंगे, काम भी करना पड़ेगा। बिना काम करे कुछ नहीं होता यार, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। सही बात है, आप पेड़ लगाइए, उसमें पानी डालिए, एक दिन जब पौधा बन जाएगा, ये पौधा पेड़ बन जाएगा ना, तो आपको कोई कमाने से रोक नहीं सकता। बस बस आपको पेड़ बनने तक इंतजार करना है, और एक बार पेड़ बन गया को कुछ नहीं करना है, वो पेड़ ऑटोमेटिक नीचे से पानी लेता रहता है ना, जैसे वैसे सेम ऑटोमेटिक आपका पेड़ जो रहेगा नीचे से पानी लेता रहेगा। मेरे दोस्त आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इनसे। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अपने टाइटल में शो होता होगा, जाके एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। फिर मिलेंगे वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।